नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बड़ी ही दुखद खबर दिखा रहे हैं। कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव सामरेल से एक खबर प्रकाश में आ रही, जहां दो पक्षों में झगड़ा हो गया है, लाठी डंडे और पथराव हुआ है। दोस्तों गोली चलने की भी खबर आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तियार अहमद के कार्यकर्ता और मंत्री जाहिदा खान के समर्थकों के बीच जमकर लाठीचार्ज हुआ, और इसके बीच में जब पुलिस प्रशासन आता है तो पूरे तरीके से इनको खदेड़ देता है और पुलिस लाठी चार्ज करने पर मजबूर हो जाता है। यहां पुलिस की तरफ से भी और दोनों पार्टियों की तरफ से गोली चलने की खबर मिल रही है। क्या सच्चाई वो अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली गोली चल रही है, लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मच रही है। यह खबर सामरेल गांव से आ रही है। सामरेल में धड़ाका से गोली बज रही है भाई, पुलिस गोली चला रही है और देख लियो गोली चल रही है, धड़ाका से गोली चल रही है, देख लियो। लड़ाई होगी, बहुत बड़ी गोली चल रही है दबाकर सामरेल गांव में।